हेलो फ्रेंड, सो वेलकम टू बैक माई न्यू यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड, तो आज हम जा रहे हैं मनी महेश। मेरे साथ है मेरा फ्रेंड बंटी और पीछे है लेडीज। हम हरसर से थोड़ा सा ऊपर ही चढ़े हैं। इस जगह का नाम है घोई। देखिए हेलो फ्रेंड, देखिए अभी हम घोई जगह, एक स्थान है जो कि मनी महेश यात्रा में आता है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए मेरे पीछे जो देखिए दुनाली का पुल, जिस पर पानी का बहाव कितना तेज है। हर हर महादेव। महादेव की नगरी। ये देखिए यहाँ का नजारा। यात्री आ रहे हैं। यहाँ से थोड़ा जंगल वाला रास्ता है ऊपर तक, धनछो तक। यहाँ से चढ़ाई काफी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी धूप से राहत है। देखिए नजारा। वेदर बहुत ही अच्छा है आज, बहुत अच्छा वेदर है। ये देखिए धनछो स्टार्ट हो गया यहाँ से। यात्रा नहीं है इस वजह से, कोई लंगर नहीं लगा हुआ है। ये लंगर की जगह है, जितनी भी लंगर सेवा होती थी। ये देखिए सभी दुकानें लंगर की जगह जो भी है। यहाँ पे जानवर है, गौ माता को छोड़ा हुआ है। ये देखिए धनछो स्टार्ट है यहाँ से। ज़्यादा लोग नहीं है इस वजह से, बिल्कुल सुनसान है ये इलाका भी। अभी तक धनछो पहुँचे हैं हम। ये स्टार्टिंग है और ऊपर धनछो है यहाँ पे, इसके बाद ऊपर जाएंगे। ये देखिए कैसे पहाड़ है यहाँ पे, कैसा नज़ारा है। मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर भी एक मंदिर है, जलधार स्वामी, जिन्हें जलधार स्वामी कहा जाता है, उनका मंदिर भी वहाँ ऊपर है। और ये देखिए धनछो का नज़ारा। हाय पूजा, कैसा रहा सफर यहाँ तक? बहुत सुंदर। अच्छा, कैसा नज़ारा लगा धनछो का? बड़ा प्यारा। ये साथ में नदी चली हुई है। ये जगह यहाँ पे लंगर वगैरह लगाए जाते हैं। इस बार कुछ भी नहीं है, यात्रा नहीं हो रही है। नीचे पुली बनी हुई है दूसरी तरफ जाने के लिए पानी के ऊपर। देखिए कितनी बड़ी शिला है यहाँ पे, कितना बड़ा पत्थर है ये। लोगों को ढोने के लिए देखिए खच्चर घोड़ा, जिसपे लोगों को ढोके मनी महेश तक पहुंचाया जाता है। ये देखिए
यहाँ पर दुकानें खोली हुई है लोगों ने बंचों में, वो देखिए यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे अभी तक, ये सब धनछो है इस जगह पे देखिए। और यहाँ से हमें सीधे यहाँ ऊपर जाना है इसी रास्ते से, यहाँ पर धनछो में अब हमारा यहाँ पे लंच टाइम हो चुका है। और ये माउंट ट्रेनिंग की यहाँ पे कैंपिंग हो रही है, यहाँ पे लोगों के ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। ये देखिए ये कुकिंग की जगह है, यहाँ पे कुकिंग और यहाँ पे हमारा खाना हो रहा है। धनछो से आगे जा रहे हैं अब हम, सुंदरासी में दूसरा पड़ाव होगा। देखिए घोड़े बैल और एक गाय जिसका एक बछड़ा है छोटा सा, यहाँ पे ही पैदा हुआ है मुझे लगता है। देखिए कैसे हाँ यहीं से ऊपर चढ़ेंगे अब हम दूसरे रास्ते को क्रॉस करने के लिए, जो यहाँ पे पुली बनी होती थी छोटी छोटी सी वो टूट चुकी है, तो हमें वहाँ से नहीं इसी रास्ते से चढ़ना पड़ेगा। देखिए ये जो चढ़ाई है यहाँ से ऊपर, वो ऊपर देखिए ये रहा, यहाँ से फिर इस रास्ते से बानर घाटी के नाम से जाना जाता है इस रास्ते को, और यहाँ से हम क्रॉस करके ऊपर से आगे निकल जाएंगे। ये रहा रास्ते का छोर, हमारे साथी यहाँ से आ रहे हैं। देखिए ये पुलियाँ थी छोटी छोटी जो टूट चुकी हैं, यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल है, इसलिए हमें बानर घाटी से जाना पड़ रहा है। देखिए ये रहा वो झरना जहाँ पर कि मानना है कि शिव भगवान ने भस्मासुर से बचने के लिए इस झरने के नीचे छिपे थे, यही है वो झरना। देखिए कितना हम पहुँच चुके हैं शिव के घाट। जय बाबा मणि महेश जय भोले। और देखिए ये है एक रास्ता नीचे वाला जो कि वहाँ से होके धनछो पहुँचता है, और एक बानर घाटी जहाँ जिस रास्ते से हम आए हैं वो इस तरफ है नीचे वहाँ से। और देखिए आप ये पहुँच गए हम शिव के घाट, इस जगह का नाम है शिव के घाट, यहाँ बाबा जी रहते हैं। देखिए बाबा जी की कुटिया है यहाँ पे चट्टान के नीचे। देखिए त्रिशूल नहीं बनाना है ना, ठीक है छोटा सा टीका ही लगा दो भाई। देखिए आप लोग चंदन का टीका यहाँ पे शिव के घाट में, ये देखिए किस प्रकार की मूर्ति है यहाँ पे, देखिए त्रिशूल बना दिया गया है पूजा के माथे में, मेरे माथे में भी देखिए टीका लगा दिया है मेरे फ्रेंड ने। बाबा जी के विचार सुनते हैं, देखिए बाबा जी ने वहाँ पे खास लगा रखी हुई है कोई। यहाँ पे आवाज सुनते हैं लोग शिव के घाट की, देखिए काम लगा सिर। ये देखिए भेड़ बकरियां चरा रहे हैं यहाँ पे लोग, गद्दी समुदाय के जिन्हें की पाल कहा जाता है। सुंदरासी का लास्ट टर्न, यहाँ से आगे सुंदरासी आ जाएगी।
टक्कर ना मार दे। अरे खड़ा खड़ा इंदा क्या प्राणी मत खड़ी है। देखिए भी आप साथ में खड़े सिंह वाला लड़ है जो खड़ा लड़ कहा जाता है इसे गद्दी भाषा में। सुंदरासी पहुंच चुके हैं। देखिए सुंदरासी का नजारा गाइस, ये सुंदरासी है और ये देखिए एक रास्ता ऊपर से जा रहा है। ये रहा यहाँ से लोग जा रहे हैं ऊपर। एक तो ये वाला रास्ता है जो ये जाता है सीधे यहाँ से धुंध से होके ऊपर। एक यहाँ से नीचे से टर्न है जो यहाँ से होता 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 हुआ ये जा रहा है। ये भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। अब हमें डिसाइड करना होगा कि भैरव घाटी से जाएं या ऊपर से। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम भैरव घाटी से ही जाएंगे। और देखिए ऊपर से लोग जा रहे हैं। ये दूसरा रास्ता है गौरीकुंड की ओर जाने का। मेरे साथ ही आ रहे हैं वो सुंदरासी। और देखिए धुंध पड़ चुकी है, आसमान साफ भी है, बादल भी आ चुके हैं। यहाँ पे धुंध पड़ती है, नाला चला हुआ है। इस धुंध के रास्ते से हमने आगे बढ़ना है। ऊपर वाले रोड में एक ग्लेशियर भी है, दिख रहा है। देखिए ये रहा, यहाँ से लोग आ रहे हैं लेकिन हम तो यहाँ से जाएंगे। ये जो रास्ता है यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। ये देखिए देखिए मणिमहेश जाते वक्त गणेश भगवान के दर्शन, कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं गणेश भगवान के। बड़ा बड़ा जंगली चूहा देखिए घास खा रहा है। यहाँ पर भैरों का वास है और देखिए कैसे पानी आ रहा है ऊपर से। धुंध पड़ चुकी है, नीचे से लोग आ रहे हैं और भी। देखिए कितनी धुंध है यहाँ पे, किस तरह का मौसम हो चुका है। ऊपर चढ़े जा रहे हैं। जिसका YouTube चैनल का नाम क्या है पूजा आपके? मेरी वाइफ है पूजा शर्मा भरमौरी। और देखिए कैसा रास्ता है ऊपर, धुंध पड़ चुकी है पूरी धुंध। यहाँ पर जैसे अंधेरा हो चुका है। बहुत ही कठिन रास्ता मणिमहेश यात्रा में। गौरीकुंड में पहुंच चुके हैं हम। देखिए गौरीकुंड में, गौरीकुंड का नज़ारा। यहाँ पे चाय पिए हमने इस होटल में। देखिए अभी चाय पीने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे गौरीकुंड था, वहाँ पे पानी नहीं है इस वक्त, पानी ख़त्म हो चुका है, सूख चुका है। ये देखिए यहाँ पे नज़ारा। गौरीकुंड में पहुँचते हमें दर्शन हुए थे लेकिन अभी फिर से बादल आ गए हैं। देखिए गौरीकुंड का नज़ारा। तो फाइनली फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं मणिमहेश। रात को थी बहुत ज़्यादा ठंड और रात को हम जब यहाँ पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत मुश्किल हुई हमें रात को उठने में भी। सुबह देखिए मैं और बंटिकपुर जब उठे तो सुबह हो चुकी थी और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। और देखिए डल का नज़ारा, यह है मणिमहेश डल जहाँ पर कि लोग स्नान करते हैं और राधा अष्टमी को इस डल को बीच से क्रॉस किया जाता है शिव जी के चेलों के द्वारा। ये देखिए लोग माथा टेक रहे हैं यहाँ पे।
देखिए दुकानें भी लगी हुई है। ये मणि महेश के दर्शन, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए गाइस, सुबह महादेव के दर्शन कर लीजिए। शाद की दुकानें लगी हुई है। देखिए कैलाश के दर्शन, तो फाइनली फ्रेंड देखिए मणि महेश के दर्शन कैसे मणि चमकती है। आप मणि महेश के बिल्कुल पीछे से निकलेगी, देखिए आप ही करिए कैलाश मणि महेश के दर्शन। वो देखिए निकल रही है, ओ बंटी देख, वाह, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, कितनी सुंदर दर्शन मणि महेश के। नमः शिवाय। भोले, देखिए मणि के दर्शन, भोले की भाई, भोले की भाई, भोले शंकर भगवान की जय। देखिए मणि महेश के दर्शन, भोले